वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ही ठीक हूँ। और आज फिर से न्यू टॉपिक के साथ जुड़ चुके हैं आप लोगों के बीच। तो आज मैं बात करने वाली हूँ, जो आप लोग थंबनेल और टाइटल देख के जान गए होंगे कि मैं बहुत ही अहम टॉपिक लेकर आजकल आ रही हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि आखिर आपको ब्राउन डिस्चार्ज होता है तो ये होना ठीक है या नहीं ठीक है, किस टाइम होना अच्छा होता है, किस टाइम होना खराब होता है। तो मैं आज इसी टॉपिक लेके आ गई हूँ, जो कि बहुत ही आम प्रॉब्लम हो गया है आजकल के दौर में। तो एक हर किसी के साथ, मतलब समझो कि 99% महिलाओं के ये सब प्रॉब्लम होता है, डिस्चार्ज, ब्राउन डिस्चार्ज या वाइट डिस्चार्ज। ज़्यादातर करके महिलाओं को और लड़कियों को ब्राउन डिस्चार्ज आजकल बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। तो मैं आज इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ क्योंकि मैं भी ये सब चीज़ों से गुजर चुकी हूँ। तो मैं इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। चार्ज होना ठीक होता है या नहीं होता है, किस टाइम ब्राउन डिस्चार्ज होता है तो अच्छा होता है और किस टाइम ब्राउन डिस्चार्ज होता है तो ख़राब होता है। अगर आप ओवुलेशन के टाइम ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है, जैसे आपका ओवुलेशन में मैं बताई थी पिछले वाली वीडियो में, मतलब एक दो वीडियो हो गया होगा पीछे, जो आई बटन में आपको मैं दिखा दूंगी, तो उसमें बताई थी कि अगर आपको ओवुलेशन होगा तो बिल्कुल ये तार की तरह होगा, जो इस तरह से चिपचिपा टाइप का आएगा। डिस्चार्ज में आपको ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, ये होता है। क्योंकि जो आपका एग होता है तो उसमें थोड़ा बहुत स्वेटिंग आ जाती है, तो ये आपको टेंशन की कोई बात नहीं है। जैसे ही आपको पीरियड के, मतलब 10 दिन बाद अगर आपको ब्राउन डिस्चार्ज आ रहा है ना, तो वो आपका ओवुलेशन में जाएगा ब्राउन डिस्चार्ज, तो इससे आपको टेंशन की कोई बात नहीं है। अगर आपका पीरियड के कुछ दिन पहले, मतलब पीरियड आपको आने वाला है 30 तारीख को और आपको 25 तारीख का, 28 तारीख है, या हो गया ना 5 दिन 4 दिन अगर पीछे, पीरियड के 5 दिन 4 दिन पीछे अगर आपको ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है तो समझो कि आपका प्रेगनेंसी होने का लक्षण है। हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो, तो ये भी आपको घबराने की बात नहीं है। आप थोड़ा अपने बॉडी पे ध्यान दीजिए और अच्छे से रहिए, ज़्यादा भारी भरकम सामान मत उठाइए, ज़्यादा काम मत कीजिए, थोड़ा देर वेट कर लीजिए, फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा प्रेगनेंसी किट से। तो ये हो सकता है कि अगर आप पीरियड के कुछ दिन पहले अगर आप चेक कर रहे हो, अगर पीरियड के कुछ दिन पहले आपका अगर ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है तो हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो। और यही अगर ब्राउन डिस्चार्ज पीरियड के, जैसे पूरा मतलब पीरियड का साइकिल जो भी 5 दिन था 3 दिन था खत्म हो गया, फिर एक दिन रुके, फिर से ब्राउन, मतलब हल्का स्वेटिंग टाइप का आ रहा है, तो ये आपका खराबी, मतलब होने का लक्षण है, आपका पीरियड खराब है, इसके वजह से आपको प्रॉब्लम हो रहा हो सकता है। हो सकता है कि आपके वजैना में कोई इन्फेक्शन हो गया, इसके वजह से आपको ब्राउन डिस्चार्ज मतलब आ रही है। इस तरह से जब बंद हो जाता है पीरियड तो बंद हो जाता है, फिर से आता नहीं है। हाँ, वही 5 दिन के बीच में अगर 3 दिन हो के अगर 2 दिन में मतलब फिर से आया तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है कि 5 दिन तक आपको ऊपर नीचे होगा। लेकिन अगर 5 दिन के बाद अगर आपको ब्राउन डिस्चार्ज कभी कभी स्वेटिंग टाइप का आ रहा है तो हो सकता है कि आपका यूटेरस वजैना में इन्फेक्शन का लक्षण हो चुका है। तो ये आप ज़्यादा सोचिए नहीं और डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। तो यही होता है ब्राउन डिस्चार्ज का कुछ मतलब बातें। और अगर ब्राउन डिस्चार्ज टाइप का आपसे बात करना था कि हाँ, ब्राउन डिस्चार्ज का कभी कभी अच्छा हो सकता है और कभी कभी खराब भी हो सकता है, तो आप लोग अगर इस तरह से हो रहा है ब्राउन डिस्चार्ज, आप लोग टेंशन में हैं तो जाइए डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय, टेक केयर।